ये दोस्तों समझते हैं कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में कितने भारत ने मेडल जीते हैं, क्या भारत गोल्ड मेडल ला पाएगा? वहीं और दूसरी ओर देश है ना, तो एक मेडल नहीं, दो मेडल नहीं, वो चोई चोई 25-25 मेडल लेके आ रहे हैं गोल्ड मेडल। और क्या हमारा भारत ने अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है? क्या गोल्ड मेडल लेके आएगा भारत? और हमारे खिलाड़ी जैसे पीवी सिंधु, इनके अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। और हमारे भारत के 4 प्रमुख हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन कौन से होते हैं और पीवी सिंधु को कौन से अवार्ड मिलते हैं, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो कहानी यह है कि 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें 24 जुलाई 2021 को मीराबाई चानू, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर से संबंध रखती है, ये सिल्वर मेडल जीतती है। और किस कैटेगरी के अंदर? वेट लिफ्टिंग भारो उत्तोलन, यानी कि जो वजन उठाते हैं ना, उस कैटेगरी के अंदर 49 केजी के अंदर ये अपना सिल्वर मेडल जीतती है। इसी के साथ ही पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ये अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, कांस्य पदक जीतती है चाइनीज के खिलाड़ी एच बिंजियो से। अब क्या होता है दोस्तों, हमको यहाँ पे ये देखना है कि अब तक भारत ने सिर्फ इस टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर 2 ही मेडल जीते हैं, एक तो सिल्वर एक ब्रॉन्ज। और देशों की तुलना में देखा जाए ना, तो हमारा भारत पीछे है। और कितनी रैंक पे पीछे है मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भारत 59 नंबर पे रैंक कर रहा है। और टॉप कंट्री जैसे चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे ये टॉप लेवल पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इसी के साथ ही हम भारत के पुरस्कारों की बात करते हैं ना, तो हाईएस्ट 4 ऐसे अवार्ड आते हैं, ऐसे पुरस्कार आते हैं। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्म श्री। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं अपने भारत के अंदर। यदि पीवी सिंधु को देखें, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्हें सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2013 के अंदर, जो कि खेलों से ही संबंधित है। और खेलों के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड 2016 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया था। इसी के साथ ही 2015 के अंदर इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इसी के साथ में ही 2020 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अब ये देखना है कि हालांकि ये पूर्णतः अब हकदार है कि भारत के जो 2nd नंबर पे आता है ना पद्म विभूषण, वो पुरस्कार के लिए ये पूर्णतः दावेदार है, इनको ही मिलना चाहिए ये पद्म विभूषण। तो ये स्थिति है अपने भारत की टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।